दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? हम तो भैया एकदम ठीक ठाक, आप लोग बताएं कैसे हैं। हम आ गए आप लोगों के बीच आज अपनी एक फिर से नई वीडियो लेके। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से हमने अपनी पहली वीडियो डर डर के बनाई थी, आप लोगों के सपोर्ट से, आप लोगों की मदद से बहुत हौसला बुलंद हुआ हमारा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे सऊदी अरब में, जहाँ पर हम लोग शॉपिंग करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हैं तो जाहिर सी बात है खाना हम लोग खुद अपने हाथ से बनाते हैं, झाड़ू पोछा भी अपने हाथ करते हैं, बर्तन भी अपने हाथ से धुलते हैं, सब कुछ कुल मिला के सब कुछ अपने ही हाथ से करना होता है। तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से कि जहाँ पे हम लोग जाते हैं, सामान खरीदते हैं, कैसे खरीदते हैं, सस्ता खरीदते हैं, मद्दा खरीदते हैं। आपको आज हाइपर मार्केट जो हमारे यहाँ सऊदी अरबिया के अल मजमा में स्थित है, हम आपको वहाँ का सुंदर नज़ारा दिखाने वाले हैं। तो अभी हम नहा धो के बढ़िया स्मार्ट बन के, अच्छी भली टी शर्ट पहन के, देखो जूता उता पहन के, पैंट पहन के, जीन्स का हाथ में घड़ी वड़ी बांध के, एकदम नहा धो के फ्रेश होके आप लोग सामने आ गए हैं। बस कुछ ही देर में हम जाएंगे, लेकिन उसके पहले हम कुछ बातें आप लोगों के सामने शेयर करना चाह रहे हैं। आज हम आप लोगों को नेस्टो हाइपर मार्केट का सुंदर नज़ारा दिखाएंगे, जो नेस्टो हमारे अल मजमा में है। तो यहाँ पे बहुत सारी ब्रांच है, बट नेस्टो हाइपर मार्केट जो कि हम लोगों के लिए अच्छा होता है, जहाँ पे ऑफ़र अक्सर आया करते हैं, सामान थोड़ा सस्ता मिलता है, लोग अक्सर वही जगह जाते हैं जहाँ पे सामान थोड़ा सस्ता मिलता है। उसके पहले दोस्तों जो हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, जो पहली बार विजिट किए हैं, उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। और दोस्तों अगर वीडियो एंड में अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। हमारा सफ़र शुरू होने वाला है अभी आपके सामने, बस जल्द ही। दोस्तों आप देख सकते हैं गाड़ी स्टार्ट हो गई है, ये गाड़ी का मेन स्टेयरिंग पॉइंट है और ये हमको मैप दिखाता है कि हमको कहाँ जाना है। ये गाड़ी का ऑटोमेटिक गियर है और ये इसका पूरा सिस्टम है, आपको कैसे रास्ते पर चलना है सब कुछ दिखाता है। दोस्तों शहर की लाइटें जल चुकी, चलते चलते थोड़ा दूर था निकले, रास्ते में हमने आपको नहीं दिखाया थोड़ा बहुत, क्योंकि वहाँ पे कैमरे थे। एक्चुअली है क्या, ये सऊदी अरब एक ऐसा देश है जहाँ पे आपको पुलिस नहीं रोकेगा, अगर आप कोई गलती करते हैं तो आपको पुलिस नहीं रोकेगा, आपको बस ऐसे ऐसे कैमरे लगे हुए हैं रास्ते में कि अगर आप रास्ते में चल रहे हैं, अगर आप ओवर स्पीड होते हैं तो उसके कैमरे हैं, अगर आप सिग्नल तोड़ते हैं तो उसके कैमरे हैं। तो अगर कैमरे पे अगर आपको आपका एक फ्लैश आ जा रहा है अगर सिग्नल कैमरे पे, तो 3000 रियाल उसका फाइन है दोस्तों। इसके वजह से हम लोग थोड़ा मतलब कैमरे से बच के तब वीडियो बना रहे हैं, आप लोगों को दिखा रहे हैं, आप लोग घर बैठे बैठे आराम से एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों कहते हैं शाम की बात ही कुछ अलग होती है, क्या सुंदर नज़ारा है शाम का, जब रोड की लाइटें जल जाती हैं तो रोड पे गाड़ी भी चलाने में मज़ा आता है और शाम को मौसम थोड़ा बहुत ही अच्छा हो जाता है, सुहावना हो जाता है, तो शाम को धूप भी नहीं रहती है, बाहर घूमने में भी बहुत अच्छा लगता है, दिल को बहुत खुशी मिलती है। दोस्तों यहाँ की जो रोडें हैं वो अपने रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से अपने हिसाब से डिवाइड है। अगर आप सिटी के अंदर चल रहे हैं तो 80 की रोड है, अगर आप सिटी से थोड़ा बाहर चल रहे हैं तो 100 की, अगर हाईवे पे चल रहे हैं मेन हाईवे पे तो 140 की है, अगर उससे नीचे की रोड पे चल रहे हैं तो आपकी रोड मिलेगी 120 की। तो आपको अपने स्पीड रोड के हिसाब से आपको चलना होता है। जैसे अभी हम सिटी के अंदर चल रहे हैं तो हमारा ये स्पीड बस 80 है, 80 से अंदर चल सकते हैं, ऊपर अगर जाएंगे तो कहीं भी यहाँ की गवर्नमेंट, यहाँ का जो ट्रैफिक पुलिस है वो अपने अपने हिसाब से कैमरे छुपा के रखता है, अगर एक फ्लैश आ जाता है तो स्पीड का हमें 150 रियाल का भुगतान करना पड़ता है। दोस्तों अभी हम 70% दूरी तय कर चुके हैं दोस्तों, 30% दूरी बाकी है, बस हम नेस्टो पहुँचने वाले हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं दोस्तों नेस्टो हाइपर मार्केट यहाँ का कैसा है, अल मजमा का। एकदम करीब पहुँचने वाले हैं, आगे हैं मेन सिटी के अंदर, बस थोड़ी दूर रह गया नेस्टो हाइपर मार्केट जहाँ से हम अभी शॉपिंग करेंगे, कुछ खाने पीने का सामान लेंगे, सब्जी वगैरह और चावल वगैरह जहाँ से हम खरीदेंगे। देख सकते हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं हम गेट पे पहुँच चुके हैं, बट पार्किंग एकदम हाउसफुल है,
पार्किंग नहीं मिल रही, पार्किंग ढूंढ के फिर हम अंदर घुसते हैं दोस्तों। एकदम से रेडी बैठे हुए हैं, बस पार्किंग नहीं मिल रहा, पूरा हाउसफुल है एकदम, हर तरफ से गाड़ियों की लाइनों की कतारें लगी हुई हैं। पार्किंग की बहुत मुश्किल होती है सऊदी अरबियों में, गाड़ी की तादादें ज़्यादा हैं यहाँ पे दोस्तों। इंतज़ार करते करते 15 से 20 मिनट हो चुका है, पर जगह नहीं मिल रहा है कहीं पार्किंग का। बस यही दुआ कर रहे हैं कि काश कोई गाड़ी बाहर निकाले, हम उसकी जगह पे हम अंदर लगा दें अपनी गाड़ी को। देखिए ये महोदय मुमकिन निकलने वाले हैं, अभी इनकी जगह पे हम पार्किंग लगाते फिर अंदर जाते दोस्तों। तो दोस्तों आप देख सकते हैं पार्किंग हमको मिल गई है, ये जगह खाली, अभी हम यहीं अपनी गाड़ी खड़ी करेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दिया है, अब इसको लॉक कर देते हैं और हम अंदर की ओर जाते हैं। ये ट्रॉलियां हैं जिनको हम लेके इसमें से सामान रखेंगे, एक ट्रॉली हम भी निकाल लेते हैं और इसको ऐसे रखते हैं। यहाँ पे सारी खाने पीने की चीज़ें हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं। अब हमको क्या चाहिए, पहले सब्ज़ी लेनी है, तो दोस्तों हम पहले सब्ज़ी की सेल में जाते हैं। तो दोस्तों देखिए सब्जी के ट्रे में हम पहुँच चुके हैं, अब हमको यहाँ से प्याज लेना है, लहसुन लेना है, आलू लेना है, टमाटर लेना है, ये उनका रेट लिस्ट है आप देख सकते हैं दोस्तों। तो हम पहले थोड़ा सा यहाँ से कीस लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा अदरक ले लेते हैं। चनों को कितने अच्छे रूप में सजाया गया है यहाँ पे, चना है, नमक है और भी सॉस वगैरह है, आटे की बोरियाँ हैं, इधर खाने के आइटम है सब देख सकते हैं। मार्केट में देखिए बच्चों के भी बहुत अच्छे अच्छे आइटम मिलते हैं यहाँ पे। देखिए ये बच्चों के लिए गाड़ियाँ हैं, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, हर तरीके की गाड़ियाँ हैं, खिलौने और बर्तन हर कुछ यहाँ उपलब्ध है। एक बार अब कभी आप सऊदी अरबिया आएँ तो ज़रूर नेस्टो हाइपर मार्केट का मज़ा लें दोस्तों। ये देखिए इलेक्ट्रिक भी है, इलेक्ट्रिक सामान आप देख सकते हैं दोस्तों। ये लेडीज पर्स भी अवेलेबल हैं, सब कुछ, चप्पल, जूते, शूज, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल दोस्तों। ये देखिए एक से एक आइटम भरे पड़े हुए हैं यहाँ पर नेस्टो में, किसी भी प्रकार का बूफर चाहिए आपको बूफर भी अवेलेबल है। और ये मिक्सर, लाइट के चूल्हे, रोटी गर्म करने का सब कुछ, प्रेस वगैरह सब कुछ यहाँ पे मौजूद है। एक बार आप नेस्टो में आइए तो ज़रूर देखिए। मोबाइल यहाँ पे कितने अच्छे अच्छे प्राइस में हैं, आप मोबाइल भी ले सकते हैं, मोबाइल के साथ साथ लैपटॉप भी हैं। LCD वगैरह भी है, हेडफोन्स, बहुत सारी
अच्छी से यहाँ पे परफ्यूम वगैरह देखिए, एक से एक परफ्यूम मिलेंगे आप सऊदी अरबिया में। ये देखिए दोस्तों, तो भाई आप देख सकते हैं हमें तो शॉपिंग करनी थी, हमने कर लिया है। अब हम रिटर्न जा रहे हैं रूम पे, अभी बाहर निकलेंगे। वो रही हमारी गाड़ी, ये 1 2 3 4 चौथे नंबर पे ड्रीम निसान वाइट अपनी गाड़ी के पास हूँ और सब सामान को उसमें रखेंगे। ये रही हमारी गाड़ी, इसका डिग्गी खोलना है, ये भी ऑटोमेटिक है, इसमें हमको हाथ नहीं लगाना पड़ता। देखिए आप, अपने आप खुल रही है दोस्तों। हमने सामान रख दिया है, इसको बंद कर देंगे, इसको थोड़ा सा पीछे कर देंगे ताकि प्रॉब्लम ना हो, ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। दोस्तों फिर से हम अपनी गाड़ी में बैठ चुके हैं, गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट होती है। ये गाड़ी हमारी स्टार्ट हो चुकी है, लाइट जला लेंगे, एसी ऑन कर देंगे। बहुत गर्मी है, अभी 8:30 बज चुके हैं, फिर भी गर्मी कम नहीं हुई है। आप देख सकते हैं हम नेस्टो के बाहर खड़े हुए हैं, अब जा रहे हैं रूम की तरफ अपने वापस। जो खरीदना था हमने खरीद लिया है, आप देख सकते हैं गाइस, हम गाड़ी का बैक गियर डाल चुके हैं, अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं दोस्तों, पार्किंग से बाहर कर रहे हैं अपनी गाड़ी को। गाड़ी में आपको पीछे घूम के देखने की ज़रूरत भी नहीं है, इसमें बैक कैमरा अवेलेबल है ऑटोमेटिक। आप आगे चलेंगे तो आपको लोकेशन का सिंबल दिखाएगा स्क्रीन के ऊपर। अब हम यहाँ से निकल चुके हैं दोस्तों, देखिए गाइस फाइनली हम ड्राइव करने लगे, रोड पे आ गए। आप देख सकते हैं गाड़ी को हम ड्राइव कर रहे हैं, रास्ते में आ चुके हैं, रूम के लिए निकल रहे हैं। थोड़ा सा सामान रास्ते में एक परचून की दुकान पे लेना है, जिसको हम अरबी में बकाला कहते हैं। मॉल से जो हमको लेना था वो हमने ले लिया, खाने पीने का सामान। हाँ तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, आपका लाइक हमारा प्रोत्साहन। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भैया, ये मत भूलिए, उसके साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि सऊदी की अच्छी अच्छी जगह को मिलती रहे और यहाँ की खूबसूरती आप घर बैठे देखते रहें। ओके दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।